क्रिकेट टीम की नई वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान के दो वर्ल्ड कप मैचेस की तारीख तब्दील कर दी गई। भारत का मैच जो 15 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया था वो अब 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ मैच अब 12 अक्टूबर की बजाय 10 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान के दो वर्ल्ड कप मैचेज की तारीखें तब्दील कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीली की भारतीय दरख्वास्त पर रजामंदी जाहिर कर दी। भारत का मैच जो 15 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया था वो अब 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान मैच जो 6 अक्टूबर को ही हैदराबाद में खेला जाएगा। तरमीम शुदा प्रोग्राम के मुताबिक कौमी टीम को वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच श्रीलंका के साथ जो पहले 12 अक्टूबर को खेलना था उसको 2 दिन पहले कर दिया गया। ये मैच अब 10 अक्टूबर को हैदराबाद में होगा। PCB ने वर्ल्ड कप के मैचेस के शेड्यूल में रद्दबदल पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड हकाम को कोई इतराज़ ना होने का जवाब भिजवा दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने PCB की रजामंदी मिलने के बाद ICC हकाम की मशावरत के बाद बाकायदा अपडेट शेड्यूल जारी कर दिया। वाजह है कि 10 टीमें 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक 10 मकाम पर पुरजोश टाइटल के लिए लड़ेंगी। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम टूर्नामेंट के सही और फाइनल की मेज़बानी करेगा। डे मैच पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होंगे, जबकि डेगर तमाम मैच डे नाइट होंगे जो दोपहर 1:30 पर होंगे। अगर आप पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो कोलकाता में खेलेगा, अगर हिंदुस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो मुंबई में खेलेगा। अहम पाक भारत मुकाबले की सूरत में मैच कोलकाता में होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप राउंड फॉर्मेट में खेला जाएगा जिसमें तमाम टीमें एक दूसरे के खिलाफ कुल 45 लीग मैच खिलाफ 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी जो 15 नवंबर को मुंबई और 16 नवंबर को कोलकाता में होंगे। सेमीफाइनल और फाइनल में रिजर्व दिन होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।